एक मिट्टी का दिया आपने लेना है, आपने एक कपूर भी लेनी है और साथ में एक लौंग भी आपने लेनी है, और एक वस्तु और है जो आपने लेनी है। ये चार सामान आपने लेने हैं, एक माटी का दिया, एक लौंग, एक कपूर। जी हाँ, और इनका क्या प्रयोग करना है वह भी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि माटी का दिया आपने लेना है जो आपने प्रयोग किया हुआ हो। कोशिश करनी है कि जो माटी का दिया, जो दीपक आप लेंगे, चाहे वह पहले आपने अपने घर में कभी यूज किया हो या अगर आपने अपनी दुकान में भी कभी यूज किया हुआ हो, अगर वो आप लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है। अगर यूज किया हुआ माटी का दिया नहीं मिलता, उसके बाद आप नया दिया ले सकते हैं, जो लास्ट ऑप्शन है, फिर आप नया दीपक ले सकते हैं। एक माटी का दिया आपने लेना है, एक कपूर की टिक्की आपने लेनी है, एक लौंग और एक वस्तु और। क्या है आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग अगर आप अपनी दुकान में करते हैं तो आपका दुकान का काम माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा चलेगा। समय समय पर मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रयोग लेकर के आता रहता हूँ, ऐसे उपाय लेकर के आता रहता हूँ जो आपकी दुकान की बिक्री बढ़ाने में सहायक हो। अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं, कई हमारे पास सुझाव भी आते हैं, कई हमारे पास प्रश्न भी आते हैं कि दुकान की बिक्री बढ़ाने को लेकर के कोई खास कोई अच्छा सा उपाय बताइए। इससे पहले हमने जो उपाय बताए हैं उनसे बहुत सारे हमारे भक्तों को लाभ भी हुए हैं, उनके हमारे पास फोन आए हैं, उनके हमारे पास कमेंट आए हैं कि आपने जो प्रयोग बताया था वह प्रयोग हमने अपनी दुकान में किया है, हमें उससे लाभ की प्राप्ति हुई है। लेकिन फिर भी अगर कोई भक्त ऐसे हैं जिनको उन प्रयोग से लाभ नहीं हुआ है, तो आज का जो ये प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ, ये प्रयोग आपने करना है और बहुत जल्द आपको इस प्रयोग के करने से लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। मेरी आप सभी से विनती है, इस एपिसोड को स्किप मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको दुकान की बिक्री बढ़ाने को लेकर कोई सटीक उपाय पता चले तो आप आज का यह एपिसोड पूरा आपको देखना चाहिए। एपिसोड थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हर एक पॉइंट में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, हर एक चीज में अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपने इस उपाय को करना है। सामान मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, एक माटी का दीपक पुराना हो सबसे बढ़िया है, पुराना ना मिले नया लेकर के आ सकते हैं। एक कपूर की टिक्की, एक फूल वाली लौंग, छोटी लौंग, और एक वस्तु और है, एक सामग्री और है। यह कुल होंगी चार वस्तुएं जो आपको इस प्रयोग में यूज करनी है। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हाथ जोड़ करके भोलेनाथ भगवान को ध्यान कर लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी दुकान का काम, आपका व्यापार कभी भी ना रुके, आपकी दुकान अच्छी चलती रहे, आपकी दुकान में बरकत हो, आपकी दुकान में लक्ष्मी हो। ऐसी ही प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से हमने करनी है। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युरमोक्षीयमामृतात्। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। प्यारे बंधुजनों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी विनम्र विनती है कि आप कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और हमने पहले भी बताया है आपको कि हम जो भी विषय वस्तु आपके लिए लेकर के आते हैं, हमारा केवल एक ही उद्देश्य होता है कि आपको अच्छी से अच्छी, उत्तम से उत्तम जानकारी से अवगत कराया जा सके। तो इसलिए आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो चलिए अब आज के इस एपिसोड को, प्रयोग को शुरू कर लेते हैं।
साथियों, आज का ये जो उपाय है यह खासकर उन भक्तों के लिए है जिनकी दुकान है, जिनकी शॉप्स हैं या जिनका कोई व्यापार है जो नहीं चलता, या काफी समय से जिनका व्यापार मंदा पड़ा है, जिनकी दुकान मंदी पड़ी है, जिनकी दुकान में ग्राहक नहीं आते, या ग्राहक आते हैं सामान नहीं बिकता, या दुकान में कोई दोष है, या दुकान की बिक्री को लेकर, दुकान की धन की समस्या को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, तो यह उपाय उन सभी भक्तों के लिए है जो अपनी दुकान की सेल को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी दुकान की बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिव्य प्रयोग बताता हूं कि किस प्रकार से आपने इस प्रयोग को करना है और ध्यान से आपने इस प्रयोग को समझना है, उसके बाद इस प्रयोग को करना है। बहुत जल्दी आपको इस प्रयोग के करने से, उपाय के करने से लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। तो चलिए अब इस उपाय को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो चारों सामग्रियाँ हैं, चारों सामग्रियाँ यहाँ पर मैंने रख दी हैं। माटी का दिया मैंने आपको बता दिया था, एक लौंग मैंने आपको बता दी थी, कपूर मैंने आपको बता दी थी, लेकिन जो चौथी सामग्री है, चौथी सामग्री है गूगल। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल है, उसके बाद एक लौंग है, लौंग के बाद एक कपूर की टिक्की है और एक माटी का दिया है जो यहाँ पर रखा हुआ है। ये सारा सामान इसी तरह से आपने ले लेना है अगर आप ये प्रयोग करना चाहते हैं। अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको इस सामान की आवश्यकता पड़ेगी। माटी का दिया, एक कपूर, एक लौंग और थोड़ी सी गूगल, जितनी यहाँ पर मैंने ली हुई है इतनी ही आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो ये कपूर है, इस कपूर को ऐसे तोड़ लेना है। तोड़ करके आपने इसको चार हिस्सों में कर लेना है। चार हिस्सों में आप इस कपूर को ऐसे कर सकते हो। अगर आप और बारीक करना चाहते हैं तो और बारीक इसको कर सकते हो, ज़्यादा बारीक इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसके चार पीस कर लिए हैं। उसके बाद आपने ये लौंग, इस लौंग को इनके मध्य में रख लेना है और साथ ही साथ इस गूगल को भी आपने यहाँ पर कपूर के मध्य में ही रख देना है। अब देखिए, माटी के दिए के अंदर मैंने चारों वस्तुएं, जो तीनों वस्तुएं थी कपूर, लौंग और गूगल, यहाँ पर मैंने रख दी है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अच्छी तरह से एक बार चेक करना है कि जो लौंग है इसका फूल होना चाहिए, बिना फूल वाली लौंग नहीं होनी चाहिए और पूरी तरह से है साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने माचिस के द्वारा इसको अग्नि चेतन करनी है। जी हाँ, चाहे तो आप, अगर आप सुबह के समय करते हैं तो जो ज्योत आपने जलाई हुई है उस ज्योत में से भी आप थोड़ी तिल्ली के द्वारा अग्नि ले सकते हैं या माचिस के द्वारा आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसे करके आपने कपूर को अग्नि देनी है। अब जब ये ज्वलन हो जाए तब आपने इसको या तो आप थाली में रख लेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने इसको थाली में रखा है, उसके बाद आपने इस थाली को उठा करके अपनी सारी दुकान में अच्छी तरह से, जो भी आपका व्यापार स्थान है वहाँ पर अच्छी तरह से आपने धोनी देनी है। कपूर, लौंग, गूगल, ये सामान होना चाहिए और माटी के दिए में होना चाहिए। देखिए, अच्छी तरह से इसकी धोनी आपने पूरी दुकान में देनी है। दुकान का जो कोना है, जो दुकान के कोने हैं खासकर, उनमें आपने जरूर दिखानी है, अपने गल्ले के पास भी दिखानी है, अपनी दुकान के मंदिर पर भी दिखानी है। इस तरह से
इन तीनों वस्तुओं की धुनी आपने अपने पूरी दुकान में दिखानी है। देखिए, काफी देर तक ये जगेगी और जब तक यह जगेगी तब तक आपने पूरी दुकान में इसकी धुनि दिखानी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरा बंद पड़ा हुआ बिजनेस चलने लग जाए, मेरे कारोबार में कोई भी दिक्कत ना हो, मेरे धन स्थान में कोई भी दिक्कत ना हो, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ। इस तरह से आपने अच्छी तरह से धुनि देनी है और देखिए किस तरह से है कपूर ज्वलित हो रही है। और विश्वास रखिए कि जितना अधिक श्रद्धा से इस प्रयोग को आप करेंगे उतना शीघ्र आपको इसके परिणाम प्राप्त होंगे, उतना शीघ्र आपको इसके लाभ प्राप्त होंगे। प्रिय बंधु जनों, अब बात आती है कि किस दिन करना है यह उपाय। यह उपाय आपने बुधवार के दिन सुबह के समय भी आप कर सकते हैं या शाम के समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन चाहे सुबह करो या शाम करो, अगर आपने सुबह में यह प्रयोग कर लिया तो शाम को यह प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। और लगातार आपने 11 बुधवार इस प्रयोग को करना है और बहुत जल्द आपको इस उपाय के करने से परिणाम की प्राप्ति होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से यह मैंने आपको बताया आज का दिव्य प्रयोग दुकान की बिक्री को बढ़ाने को लेकर। अगर कोई भी आपका ऐसा प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। एपिसोड को लाइक और शेयर जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, जय लक्ष्मी माता।